हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फोटोशॉप में एक कोई भी एक्शन क्रिएट करके उसको बार बार आप कैसे काम करवा सकते हो। जैसे हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हमने फ़ोटो लिया है, हम चाहते हैं इसका एक एक्शन क्रिएट कर दें जिससे हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमेशा क्रिएट कर सकें, हमें बनाना ना पड़े। सिर्फ एक क्लिक करें उससे उतने सारे फ़ोटो एक बार में ही बन जाए। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ इसको शुरू से अंत तक देखिए और इससे आप सीख जाएंगे कि आप फोटोशॉप में एक एक्शन क्रिएट करके उसको बार बार अप्लाई करके किसी भी इमेज को कैसे आप क्या कर सकते हो। तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो इमेज यहाँ पे लिए है, हमको इसको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉप टूल को सेलेक्ट किया। क्रॉप टूल में हमने देखो जो चौड़ाई है यहाँ पे उसको 1.2 दिया है और हाइट 1.5 दिया। रेजोल्यूशन हमने इसको 300 रखा। आप इस तरह इसको सेट कर लेंगे, सेट करने के बाद इंटर कर देना और उस फोटो को प्रॉपर क्रॉप कर लेना जिस साइज़ में आपको चाहिए। तो हम जितना हमें ज़रूरत था उस फोटो को हमने उतना सेलेक्ट किया और फिर इसके बाद लेफ़्ट एंड राइट की से उसको आप सही कर सकते हो या तो ऐसे ही पकड़ के उसको ड्रैग कर लो। तो ये फ़ोटो हमें अब प्रॉपर लग रहा है, यानी एक पासपोर्ट साइज़ का जितना एरिया हमें चाहिए था उतना एरिया हमने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे सही कर दिया। और इसको थोड़ा सा जूम आउट कंट्रोल माइनस से हम कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप फ़ोटो इस टाइप से। अब इस फोटो पे हमें थोड़ा सा लाइटिंग लाना है, आप कंट्रोल यम प्रेस कर सकते हैं, कर्व वाला आ जाएगा। जो भी आपको एडिटिंग करना है वो चीज़ें आप फोटोशॉप से इस तरह एडिटिंग कर सकते हैं। तो हमने इसको थोड़ा सा इस टाइप से रखा, एन ओके किया और यहाँ पे आते हैं एडजस्टमेंट में, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो एक हमने ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का लिया, तो यहाँ से थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। इसका आप बैकग्राउंड भी यहाँ से सही कर सकते हैं, जो भी आपको एडिटिंग करना होगा वो आप एडिटिंग कर सकते हैं। करने के बाद आप क्या करिए, इस फोटो को कंट्रोल ए कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और यहीं पे एक बॉर्डर हम लगा देते हैं। तो एडिट में आएंगे और यहाँ पे एक स्टॉक दिया रहेगा, इससे हम एक बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। 3 पिक्सल का रख रहे हैं और कलर ब्लैक और इनसाइड मतलब अंदर की तरफ वो बॉर्डर लगे और ओके कर देंगे तो यहाँ से एक बॉर्डर भी उसमें लग जाएगा। अब बॉर्डर लग गया, अब आपको हम बताते हैं अब आपको काम क्या करना है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो तो इसके बाद एक एक्शन आपको क्रिएट करना है। तो एक्शन में आप यहाँ पे विंडो में आएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक एक्शन नाम से, इस ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह ओपन होके मिल जाएगा आपके सामने। हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप क्या करना है, एक सेट क्रिएट करना। तो सेट पे इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेट दिखा रहा है, हमने इसका नाम रख दिया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पासपोर्ट या फोटो साइज कर देते हैं ना। हमने जो भी नाम रखना इसको हमने रख दिया, ओके किए। अब यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा एक न्यू एक्शन नाम, क्रिएट ए न्यू एक्शन, इस पर आप क्लिक करना और यहाँ पे एक्शन का नाम दे देना। जैसे हमको 12 कॉपी निकालना है, यानी इस फोटो का 12 कॉपी बनाना है हमेशा, तो हमने 1 2 करके और यहाँ पे कॉपी ही कर दिए ना, ये 12th कॉपी दिए। पासपोर्ट साइज सेट रहे, एक फंक्शन की ऐड कर देते ताकि इस फंक्शन की को जैसे हम प्रेस करें वो सभी फ़ोटो क्रिएट हो जाए। तो हमने यहाँ से मान लेते हैं F12 हमने क्लिक किया और यहाँ पे शिफ्ट का यूज कर लिया एंड कंट्रोल, दोनों को आप जो भी की प्रेस करना चाहते हैं दोनों कर सकते हो। अगर ओनली शिफ्ट रखना शिफ्ट रख लो एंड रिकॉर्ड पे क्लिक कर लो। तो ये हमने रिकॉर्डिंग अब यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अब आप जो जो काम करेंगे वो सब इस पर रिकॉर्ड होता रहेगा। तो सबसे पहले आप कंट्रोल ए कर लेना, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा जो भी फ़ोटो होगा। इसके बाद इस फोटो की एक आपको क्या करना है, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद अब आपको एक न्यू लेना है, तो आप यहाँ से फाइल से भी न्यू ले सकते हो, इसका शॉर्ट की भी कंट्रोल एन
यानी एक नया डॉक्यूमेंट लेना। हम आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे फाइल में आए और यहाँ पे देखिए ये न्यू है, तो न्यू से एक हमने क्लिक किया और हमने यहाँ से एक A4 पेज लिया, मतलब हमें A4 में निकालना था, हमने A4 लिया। आपको जो पेज चाहिए वो पेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। बैकग्राउंड कलर हमने वाइट रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो आप वाइट यहाँ से चूज भी कर लेना कि उसका जो बैकग्राउंड कलर आए वो वाइट आए। एंड ओके पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पे एक इस तरह आपका पेज आ गया। अब इस पेज को हम इसी पे कंट्रोल भी करेंगे, आप बाहर कहीं क्लिक नहीं करेंगे, इस सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हर स्टेप रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल बी से पेस्ट कर देंगे जो लास्ट टाइम कॉपी रहेगा और यहाँ पे पेस्ट होके आ जाएगा। इसको जूम कर लेंगे यानी मैक्सिमाइज, और कंट्रोल प्लस से भी आप उसको जूम कर लेना, जितने भी ज़रूरत है उतने पे आप रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट में आप मूव टूल ले रहे, मूव टूल से इस फोटो को आपको जहाँ पर भी रखना है इस तरह उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हमें जहाँ पर फ़ोटो चाहिए था वहाँ पर हमने इसको एडजस्ट किया। जूम कर लेते हैं, ठीक, ये फोटो को हमने यहाँ तक एडजस्ट कर लिया है। अब हमको क्या करना है, और फोटो बनाना है, जितने हमें फोटो क्रिएट करने हैं वो सभी हम क्रिएट कर लेंगे। तो हमने अल्ट यहाँ पे कंट्रोल नहीं अल्ट दबा के हम फोटो का कॉपी करते हैं, तो यहाँ से अगर हम अल्ट ओनली दबा के करते हैं तो फोटो ऊपर नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर उसी के साथ आप शिफ्ट दबा लेते हो तो एक रे में आएगा वो सीधा, मतलब। तो हमने यहीं पे इस तरह अल्ट शिफ्ट दबाया, अल्ट शिफ्ट एंड क्लिक से आप इस तरह ड्रैग करके फ़ोटो की कॉपी कर सकते हो। हमें जितनी फ़ोटो कॉपी करनी थी हमने उतना यहाँ से इस तरह बना लिया, आप भी ऐसे बना लेना। अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो आप लेफ़्ट राइट अप डाउन की से उसको सही कर सकते हैं। तो हमने इसको जैसे भी था उसको हमने प्रॉपर यहाँ पे हो नहीं रहा है, फिर अल्ट दबाइए, शिफ्ट की काम नहीं कर रहा था, ये हमने सभी फ़ोटो को बना लिया। अब यहाँ से बनाने के बाद मान लेते हैं हमें 6 कॉपी हो गया, हमें 12 कॉपी एक बार बनाना है तो हम 12 कॉपी बना लेते हैं। 12 कॉपी के लिए क्या करना होगा, हम ये जितने लेयर हैं इन सबको मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के लिए जैसे आप यहाँ पे लेयर में ऑप्शन आया होगा, आप मर्ज डाउन यानी उसके ऊपर जो लेयर है उसको मर्ज कर लेगा। तो यहाँ से जैसे हम क्लिक किए आप देखो दो लेयर मर्ज हो गया, दो सेलेक्ट हो गया। आप उसका कंट्रोल ई जो शॉर्ट की था अभी अभी देखना, 3 लेयर हो जाएगा मर्ज। अब तो नहीं हुआ, कंट्रोल ई से आप मर्ज कर सकते हैं, ऐसे फिर करते हैं, तीसरा हुआ। ऐसे आप जब तक ये फुल पे ना आ जाए तब तक आप इसको मर्ज डाउन करते रहेंगे। ये भी मर्ज हो गया, फिर आप आएंगे, इसके शॉर्ट की कंट्रोल ही प्रेस कर सकते हैं। तो हमारे में काम नहीं कर रहा है इसका शॉर्ट की, इसलिए हम इसको मर्ज डाउन कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ तक पूरा हो गया। अब यही सेम चीज़ें हमें कॉपी करके नीचे लानी है, तो हमने क्या किया, अल्ट दबाया और शिफ्ट दबाया, नीचे कर लिया, फोटो एग्जैक्ट आ गया। आपको अगर पूरे पेज पे चाहिए तो आप ऐसे पूरे पेज पे बना सकते थे, लेकिन हमें सिर्फ 12 ही कॉपी चाहिए था, हमने यहाँ तक एक्शन क्रिएट किया। एंड यहाँ पे अब इसके साइड में आपको स्टॉप मिल रहा है, यहाँ से अब स्टॉप कर लीजिए, ये सारे काम आपने कर लिया। आपको और बनाना है तो आप बना सकते हो, हमें सिर्फ 12 बनाना था, एक इसका एक्शन क्रिएट करना था, हमने इतना किया। इसके बाद स्टॉप पे क्लिक कर देंगे, अब इसको हटा सकते हैं। अब होगा क्या कि जैसे फ़ोटो जो आपके पास है इसको हम जूम आउट करते हैं या यहाँ से इस तरह हटा देते हैं, यही फ़ोटो हमने बनाया था। अब होगा क्या कि ये फ़ोटो जो आपने परफेक्टली तैयार किया, आपने एक शॉर्टकट की बनाया था, कंट्रोल शिफ्ट और F12, हमने जैसे उसको प्रेस किया यहाँ पे देखोगे उतने फ़ोटो बन के रेडी हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे जूम करते हैं, ये देखिए, मतलब हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, एक क्लिक में वो सारे फ़ोटो बन के रेडी हो गए।
कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा। तो इस टाइप से अगर आप कोई भी चीज़, अगर हम एक नया फ़ोटो लेते हैं, मान लेते हैं इसको हटाते हैं, हमने क्या किया है, एक दूसरा किसी का फ़ोटो ले लिया, मान लेते हैं इसका हमने फ़ोटो लिया या इसका फ़ोटो लिया एंड ओपन किया, फिर फ़ोटो आया, इसको हमने क्या किया, क्रॉप कर लिया जिस साइज़ में हमें चाहिए था, A4 का सिलेक्शन है, पासपोर्ट साइज़ का, और हमने इसको सेलेक्ट किया एंड ओके किया, ये फ़ोटो आ गया। कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट किया, एक बॉर्डर दे दिया, हमें जो भी एडिटिंग करनी थी हमने नॉर्मल इस तरह एक फ़ोटो पे एडिटिंग किया और ये फ़ोटो आ गया। अब इस फ़ोटो पे हमें क्या करना है, उतने फ़ोटो बनाना है, तो हमने जो शॉर्ट की बनाया था अभी कंट्रोल शिफ्ट एंड F12, वो ऑलरेडी तुरंत रेडी कर देगा उतने फ़ोटो को। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत आसानी से, आप बहुत सारे फ़ोटो को, अगर हम पूरा पेज का करते तो पूरा पेज का फ़ोटो आता, लेकिन सिर्फ हमने 12 कॉपी के लिए ही किया था तो इतनी ही कॉपी बन रही है। और ऐसी कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।